बहुजन समाज पार्टी ने आपके बीच में रोड शो करते हुए आपके बीच में दस्तक दी है, इसका जोरदार तालियों से इस्तकबाल करना चाहिए। और ये सरकार बनने के संकेत हैं कि आप लोगों के बीच में ये उपस्थिति दर्ज करा रही है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी से कमजोर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी झूठ बोलकर आपका वोट नहीं लेना चाहती। बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों ने जो त्याग किया, जो उन्होंने रास्ता दिखाया, उस मार्ग पर चलते हुए आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों को के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी इस देश में सरकार बनाना चाहती है। आज मजदूर, गरीब, किसान, छोटा व्यापारी, चाहे महिला है, उन सब के विकास के लिए साथियों, अगर इस देश में कोई काम कर सकती है, इस देश में इन सभी का कोई भला कर सकती है, तो साथियों बहुजन समाज पार्टी इस देश में इन सब का भला कर सकती है। और साथियों, इस देश को आगे ले जाने में झूठ का सहारा लेकर के सत्ता प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं। बहुजन महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया था, हमारी बहन कुमारी मायावती जी जो 2019 में प्रधानमंत्री बनने जा रही है, साथियों उसी कड़ी में आज हमें ये दिखाना है, आज हमें ये विश्वास दिलाना हमारे नेताओं को कि जो आज मादीपुर विधानसभा है, ये सीट भी निकालेंगे और पूरी पश्चिम लोकसभा 10 की 10 विधानसभाओं में हम पूरा काम करके दिखाएंगे, ताकि हमारे नेताओं को हम पर विश्वास हो। और साथियों, ज़्यादा अपनी बात न रखते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। पुराने साथियों से भी अनुरोध है कि बसपा से जुड़िए, सब मतभेद भुला करके एक मंच पर आइए। हमारे नेता बिल्कुल 24 कैरेट के हैं, बिल्कुल न्यूट्रल हैं, आपकी बात सुनेंगे, आपके दुख दर्द में शामिल होंगे। एक बार उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, फिर देखिए आपकी तकदीर कैसे बदलती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मान्यवर साहब कांशीराम।